देखेंगे कि आरपीएफ की कितनी वैकेंसी आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, यहाँ देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको दे रखा है यहाँ पे 2024, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो आरपीएफ है, सेंट्रलाइज जो नंबर दे रखा है, इसमें है नेम ऑफ द पोस्ट सब इंस्पेक्टर। जो डेट है आपका एप्लीकेशन शुरू होने का, ये आप है आपका है 15/4/2024 से 14 मई 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरपीएफ 02/2024, इसमें कांस्टेबल का है, इसका भी जो एप्लीकेशन है सेम डेट है। अब यहाँ पे वैकेंसी की जो डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर का जो है ये आप देख सकते हैं कि लेवल जो है, पे स्केल है वो है 6। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी जो है इनिशियल पे है आपका 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 है। एज यहाँ पे दे रखा है कि 1/7/2024 तक 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वैकेंसी जो है वो है 452। कॉन्स्टेबल का जो लेवल है पे स्केल वो है 3। 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 10वीं पास होनी चाहिए। 21,700 इनिशियल पे है, B1 स्टैंडर्ड है मेडिकल। 18 से 28 जो एज है वो दे रखी है। 4,208 वैकेंसी है कांस्टेबल की। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी बनती है वो है 4,660, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी 3 साल का दिया जा चुका है, ठीक है, COVID-19 पैंडमिक को ध्यान रखते हुए। तो इसमें एज रिलैक्सेशन वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है आपका CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद से आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन आपका फिज़िकल मेज़रमेंट होना है यानी PMT, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो 500 रुपये है, 400 रुपये जो दे रखा है वो आपको वापस हो जाएगा जब आप CBT देंगे। तो यहाँ पे 500 फ़ी है। STSC एक सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है EBC, उनके लिए 250 रुपये है। तो इसका डेट जो है कि ध्यान रखेंगे,